डियर फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए अकाउंट से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट का स्टडी करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए वह शॉर्ट नोट है क्या, राइट शॉर्ट नोट अबाउट डिमांड्स फॉर ग्रांट। देखिए ये डिमांड्स फॉर ग्रांट क्या होता है इसके बारे में हम आपको आइडिया देंगे। देखिए हेडिंग क्या है, डिमांड्स फॉर ग्रांट। देखिए गवर्नमेंट के ऐसे प्रपोजल्स जिनमें फंड की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है को इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से पूरा करने के लिए डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में प्रपोजल को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। डिमांड्स फॉर ग्रांट को टू कैटेगरी में प्रस्तुत किया जाता है। पार्ट फर्स्ट ये क्या है, जो सभी रेलवे में लागू होता है। पार्ट सेकंड जो किसी स्पेशल रेलवे के लिए रेलवे के लिए के लिए
लागू होता है, होता है। देखिए इंपॉर्टेंट वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए सब हेड वाइज, सब हेड वाइज ब्रेकअप प्रत्येक भाग तीन सब डिवीजन में होता है। देखिए जो एट आइटम है वो क्या है, बड़े कार्यों को रिप्रेजेंट करने वाली डिमांड्स का क्लासिफिकेशन सब हेड। देखिए जो बी आइटम है सब हेड के अंतर्गत डिमांड्स का दोबारा ब्रेकअप। और जो सी आइटम है देखिए डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर की पहचान करने के लिए डेफिनेशंस एग्जाम्पल है, जैसे सैलरी वेजेज एलाउंसेज एंड मटेरियल्स ईटीसी। देखिए यह है आपका डिमांड्स फॉर ग्रांट। देखिए एक्चुअल में यह डिमांड्स फॉर ग्रांट होता क्या है कि देखिए गवर्नमेंट के ऐसे प्रपोजल जिनमें फंड की आवश्यकता होती है, भाई देखिए कोई भी वर्क करने के लिए आपको फंड की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि सैलरी देना है इंप्लाई को तभी फंड की आवश्यकता होती है, कोई भी वर्क करना है तो फंड की आवश्यकता होती है। तो देखिए
मान लीजिए उस फंड को इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से पूरा करने के लिए, भाई देखिए अगर फंड की आवश्यकता होती है तो वो फंड मिलता कहां से है, इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से। तो देखिए उसको पूरा करने के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट के रूप में, देखिए डिमांड्स फॉर ग्रांट के रूप में प्रपोजल को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये सारे डिपार्टमेंट करते हैं। भाई देखिए रेलवे अपना अलग डिमांड प्रस्तुत करती है, उसी तरह से जो परिवहन विभाग है वो अलग, मतलब सारे डिपार्टमेंट अपना अपना जो है डिमांड जो है देखिए प्रस्तुत करते हैं फंड के लिए। और वो फंड कहां से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है उससे जो है फुलफिल किया जाता है। तो देखिए एक्चुअल में भाई देखिए ये प्रपोजल को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, डिमांड फॉर ग्रांट को देखिए तो उसी को जो है देखिए एक्चुअल में जो भी प्रपोजल है उनको डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां पर यह कहना है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट को जो है टू कैटेगरी में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी देखिए भाई डिमांड फॉर ग्रांट जो भी है उसको जो है टू कैटेगरी में प्रस्तुत किया जाता है। बात समझिए, पहला पार्ट ये है जो सभी रेलवे में लागू होता है। भाई देखिए ऐसे पार्ट ऐसा जो है वर्क्स होगा या ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि पूरे रेलवे में लागू होता है, हर रेलवे के लिए वो कॉमन होगा जो फंड भाई क्या डिमांड किया जाएगा तो सारे रेलवे के लिए होगा, ठीक है। लेकिन पार्ट टू ऐसा भी देखिए ऐसा डिमांड होता है, ऐसा भी डिमांड प्रस्तुत किया जाता है जो किसी स्पेशल रेलवे के लिए हो, कोई ऐसा मान लीजिए ऐसा आइटम है जो प्रत्येक रेलवे को रिक्वायर्ड नहीं है तो वो जो है पार्ट टू में जो है ये डिमांड्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए, ठीक है आप समझ गए होंगे कि जो है भाई किसी भी फंड के लिए जो भी फंड का अलॉटमेंट के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट जो है ये हर विभाग जो है लोकसभा में प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो हमारे ये कहने का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो के लिए सब हेड वाइज जो है ब्रेकअप प्रत्येक भाग तीन मतलब सब डिवीजन में होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सब हेड वाइज ब्रेकअप जो है सबके लिए तीन सब डिवीजन में होता है, तीन सब डिवीजन में मतलब ये इस ग्रांट को भेजना होता है। पहला जो है देखिए बड़े कार्यों को रिप्रेजेंट करने वाली डिमांड का क्लासिफिकेशन। भाई देखिए एक्चुअल में ये जो पहला आइटम है कि बड़े कार्य को रिप्रेजेंट करने वाले डिमांड्स का क्लासिफिकेशन, ये जो है आपका सब हेड है, ठीक है। अब उसमें जो है सब हेड के अंदर डिमांड्स का दोबारा ब्रेकअप किया जाता है। ब्रेकअप मतलब देखिए बड़े कार्य में मतलब वो उसमें सारा जो है ब्रेकअप दिखाया जाता है। देखिए पहला जो भाग है, बात समझिए यहां वो बोला गया है कि तीन सब डिवीजन में होता है तो पहला जो पार्ट है वो आपका सब हेड के रूप में रहता है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है सब हेड के अंदर जो डिमांड जो भी है देखिए तो उसका ब्रेकअप दिखाया जाता है। और जो तीसरा डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर की पहचान करने के लिए डेफिनेशन उसमें रहता है। तो ये जो है देखिए एक्चुअल में ये मतलब समझिए ये एक तरह का हेडिंग हो गया कार्य को भी, कोई भी भाई वर्क है बड़ा काम है उसका हेडिंग हो गया, ठीक है उसी को सब हेड कहा गया, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जो है उस सब हेड का जो है
ब्रेकअप, मतलब उस काम में कौन कौन से काम होने हैं, फिर जो है डिफरेंट टाइप का जो एक्सपेंडिचर आने वाला है उसका जो है पहचान करने के लिए जो डेफिनेशन उसमें शो होता है। तो ये है आपका डिमांड्स फॉर ग्रांट। जैसे देखिए सैलरी, वेजेज, अलाउंसेस, मटेरियल्स, ये सब जो है, देखिए इसके लिए जो है आपको क्या सबके लिए जो है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है आपका डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। और ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये रेलवे, ठीक है, रेलवे को भी अपना डिमांड जो है प्रस्तुत करना होता है, बात समझ गए होंगे। तो ये है आपका डिमांड्स फॉर ग्रांट। तो वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आपको न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। और इस पार्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।